यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और अपडेट साझा करने के लिए बुलाई गई है। इस क्रम में पहला अपडेट है संदेश थाना से। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि कल सुबह करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि देहरी गांव में एक युवक जिनका नाम विशाल कुमार है, पिता का नाम मंजय सिंह है, इनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है। घटना की सूचना प्राप्त करते ही हमारी पुलिस टीम वहां पर पहुंची और घटना स्थल को फोरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा भी जांच कराया गया और उसके साथ ही हमारी पुलिस की टीम जो जिसका नेतृत्व वहां के SHO श्री इंस्पेक्टर संतोष कुमार कर रहे थे, उसके साथ साथ DIU की टीम भी हमारी लगी थी, घटना के इन्वेस्टिगेशन में लग गई और CDR साक्षियों के बयान एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना का उद्भेदन 12 घंटे के अंदर कर लिया गया। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि उस युवक को रात में करीब 11 बजे एक अन्य युवक जो प्राइमरी अक्यूज है इस मामले में जिसका नाम है मिथुन कुमार, वो रात को 11 बजे के आसपास उसे फोन करके बुलाता है और उसके बाद मिथुन कुमार और उसके साथी जिसका नाम रंजीत कुमार है, इन दोनों के द्वारा इनकी हत्या गांव में ही एक सुनसान सड़क के किनारे कर दी जाती है। इस घटना में दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है, साथ ही साथ जो हथियार इस्तेमाल हुआ था पिस्टल, वो पिस्टल भी बरामद हुआ है घटनास्थल से। हमें खोखा और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। अभियुक्तों का मोबाइल भी सीज किया गया है, घटना में इस्तेमाल किया हुआ है, एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुआ है। साथ ही साथ जो ये कपड़े अभियुक्त ने पहने थे जिसपे संभवतः खून के निशान पाए गए, उसे भी जब्त किया गया है। तो ये भोजपुर पुलिस की काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसको हमने महज 10 से 12 घंटे में इसको घटना का पर्दाफाश करते हुए सभी अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया। धन्यवाद। इसी क्रम में दूसरी उपलब्धि है गजराजगंज ओके से, जहां एक अपहरण का कांड 193/24 12 मई को दर्ज कराया गया था। इस कांड में यह बताया गया था कि 4 मई को एक युवक जिसका नाम राजेश कुमार यादव है और इकारी साथ के रहने वाले, घर से निकले और कहीं चले गए और इसके बाद वापस नहीं आए। इसके बाद फैमिली मेंबर्स द्वारा यह FIR दर्ज कराया गया था। इसके तुरंत बाद ही हमारी पुलिस हरकत में आई और इस कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें वहां के SHO इपुआनी हरि प्रसाद, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इपुआनी कन्हैया कुमार और हमारी DIU की टीम थी। इस कांड के उद्भेदन के क्रम में बहुत सारे साक्ष्यों को संकलित किया गया, CDR को एनालाइज किया गया, साक्षियों का बयान लिया गया एवं अन्य ये तकनीकी साक्ष्य भी जमा किए गए। इससे यह क्लियर हुआ कि इस युवक को फोन करके भोजपुर से महनार जो वैशाली जिला में की पड़ता है वहां बुलाया गया और इसके पश्चात 7-8 व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को चकासो घाट गंगा नदी महनार जिला में ही प्रवाहित कर दिया गया। इस कांड के उद्भेदन के पश्चात भोजपुर पुलिस को ये कल महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिली है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी महनार वैशाली जिला से की गई है। उन अभियुक्तों का नाम कुछ इस प्रकार है, पहली गिरफ्तारी हुई कृष्णा कुमार की, जिनके पिता का नाम उपेंद्र राय है और ये महनार के रहने वाले हैं। दूसरा अभियुक्त जिसका गिरफ्तारी हुआ है उसका नाम विनय कुमार मिश्रा है और ये भी महनार के ही रहने वाले हैं। इन दोनों अभियुक्त ने अपनी संलिप्तता इस कांड में बताई है और पूरे घटनाक्रम को विस्तृत रूप से हमें बताया है। इसके साथ साथ ही जो घटनास्थल है, जो महनार में स्थित एक लॉज है, वहां का फॉरेंसिक जांच भी हमने कराया है और वहां से भी हमें कुछ साक्ष्य मिले। तो अभी इस घटना में बाकी अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी शेष है, अतः इसका अनुसंधान अभी जारी रहेगा। यह भोजपुर पुलिस की एक काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें एक अपहरण के जो कांड पहले अपहरण का बताया जा रहा था उसमें हत्या की पुष्टि हुई और इसमें अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई। धन्यवाद।